तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 की TVS स्पोर्ट और हीरो स्प्लेंडर प्लस, यानी कि दोनों का लाइव कंपैरिजन हम करने वाले हैं। दोनों का ऑन रोड प्राइस, दोनों का माइलेज, दोनों की टॉप स्पीड, दोनों का फीचर, इंजन, क्या क्या चीज़ें जो है बेहतर है आपके लिए, या फिर प्राइस के हिसाब से कौन सी बाइक आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले जो आपके मन में ज़्यादा होती है दोस्तों कि ये दोनों बाइक जो है सबसे तेज़ कौन सी भागेगी, तो अगर हम बात करें कि TVS स्पोर्ट की, तो उसकी टॉप स्पीड लगभग 90 प्लस यानी 90 प्लस जाएगी, और इसकी अगर हम बात करें तो 80 से 90 होगी, यानी कि 110 सीसी का इंजन है TVS स्पोर्ट का, तो जाहिर सी बात है वो स्पीड में थोड़ा सा ज़्यादा होगी। और ये है 97 सीसी में, यानी 97 सीसी में है, तो थोड़ा सा स्पीड में लगभग अगर देखा जाए तो सेम होगा, लेकिन TVS स्पोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी क्योंकि लॉन्ग लाइफ उसकी ज़्यादा है इंजन के पावर की वजह से, सीसी उसका ज़्यादा है तो इंजन की जो लाइफ है वो भी कुछ ज़्यादा ही होगी। अगर हम बात करें दोस्तों पावर और पिकअप की, तो TVS की इस बाइक में पिकअप आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। माइलेज की अगर हम बात करें तो 60 प्लस यानी 60 प्लस का माइलेज TVS की स्पोर्ट में, बल्कि 70 का माइलेज मिलता है, और अगर वहीं हम हीरो की बात करें स्प्लेंडर प्लस की, तो इसका माइलेज आपको 50 का ही मिलेगा। अब उसके बाद टॉप स्पीड हो गई दोस्तों और माइलेज हो गया। अब फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस बाइक में आपको दो पायलट लाइट और सिंगल 35 वाट का हेलोजन बल्ब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का TVS की स्पोर्ट में मिल जाता है, काफ़ी हैवी। आपको विंड भी मिलती है जो कि वी शेप में, और इंडिकेटर आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास पर मिल जाता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। अब अगर हम फीचर स्प्लेंडर प्लस की बात करें, तो यहाँ पर 35 वाट का हेलोजन बल्ब, काफ़ी लो लाइट, और यहाँ पर एक पायलट लाइट आपको मिलती है, और हीरो स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगी। अब अगर दोनों बाइक को देखेंगे तो ये TVS की स्पोर्ट आपको हैवी दिखेगी, यानी कि भारी दिख रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब उसके बाद इंडिकेटर आप इसका देख सकते हैं, येलो कलर में है और उसका जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास पर है, तो कौन सी आपको अच्छी दिख रही है आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। अब उसके बाद दोस्तों इस बाइक में आप देख सकते हैं कि पासिंग बटन TVS स्पोर्ट में पास, और ये चीज़ काफ़ी हैवी आपको मिलता है, पासिंग बटन मिल जाती है, लेकिन इस बाइक में आपको पास बटन नहीं मिलती जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इस बाइक का अगर दोनों बाइकों का हम बात करें टायर्स की, तो टायर आपको 8018 का ट्यूबलेस टायर हीरो के स्प्लेंडर प्लस में मिलेगा, और TVS स्पोर्ट में आपको 2/75/17 का ट्यूब टायर, और बाकी ड्रम ब्रेक आपको 130 mm का मिलेगा दोनों बाइकों में, कम्बी ब्रेक सिस्टम। अब आयल डंपर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको उसमें मिलेगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर आपको इसमें मिलता है सस्पेंशन। अब उसके बाद दोस्तों ये हो गया, पासिंग बटन इसमें तो नहीं है, बट यहाँ पर अगर हम क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो हीरो स्प्लेंडर प्लस का कुछ इस तरह से खाली खाली सा दिखता है, और इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप कहीं भी जिसे ऑफ रोड यानी ख़राब सड़क पर चलाओ, जिसमें खड़ से कोई चीज़ आवाज़ करता है दोस्तों, लेकिन अगर TVS की हम बात करें जिसमें कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर फाइबर और जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मजबूती दी गई है। यहाँ पर भी आपको सेम एनालॉग और जो है यहाँ पर पेट्रोल का भी एनालॉग और स्पीडोमीटर भी आपको एनालॉग ही मिलेगा, और उसके बाद लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम आपको इस बाइक में मिलेगा। हाई लो बीम टर्न सिग्नल पासिंग सारी बटन आपको मिलेगा, लेकिन इसमें लाइट ऑन ऑफ का सिस्टम नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक काफ़ी अच्छी मिलेगी, और दोनों का आप देख सकते हैं क्लस्टर। आप पेट्रोल टैंक भी आप देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस का इस तरह से है, और TVS स्पोर्ट का कुछ इस तरह से मिलेगा। तो दोनों में आपको कौन सी अच्छी दिख रही है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसमें भी आपको 10 लीटर आ जाएगा। TVS में आपको देखते हैं क्रोम का यहाँ पर ब्रांडिंग मिलेगा, और फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं सिंगल कैप में ढक्कन मिलेगा इसका कैप, और इस तरह से आपको फ्यूल टैंक का डिज़ाइन मिलेगा बनावट, और इसका आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल जो आज के 10-15 साल पहले है वैसे है, वही है। फ्यूल टैंक आपको डबल में मिल रहा है, और सीट अगर आप देखेंगे दोनों बाइकों में लगभग सेम सीट मिल जा रही है, सीट में कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। और मेटल का चेन कवर आपको स्प्लेंडर प्लस में मिलेगा, यानी कि लोहे का चेन कवर मिलेगा, और इस बाइक में आपको फाइबर का चेन कवर मिलेगा। दो बार एडजस्ट करने वाला सस्पेंशन, और यहाँ पर अगर वाइजर आप देखेंगे तो ये पूरी कम्प्लीटली वाइजर आपको TVS की स्पोर्ट में मिलेगी, जिससे ये बाइक भारी दिखती है, और ये खाली खाली दिखती है। आप देख सकते हैं इसमें आपको किस तरह से गैपिंग दिख रही है, बिल्कुल साइकिल हीरो कंपनी साइकिल वाली है, तो ये साइकिल जैसा ही इसको बनाया है। और अगर झटके की बात करें कम्फर्ट की, तो इसमें आपको जैसे साइकिल चलाते हैं आप ऑफ रोड पर, तो उसी तरह से इसमें फीलिंग आती है स्प्लेंडर में, अपना मैं ओपिनियन दे रहा हूँ। इसमें आपको मैंने अभी ज़्यादा नहीं चलाया है ध्यान से, तो मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इससे स्प्लेंडर से तो वो अच्छी ही रहेगी। इसमें आपको झटका बहुत ही ज़्यादा लगता है इस बाइक में दोस्तों। 4 गियर आपको इसमें मिलता है, और 97.2 cc सिंगल सिलेंडर OSC, और इसमें आपको 110 cc 4 गियर ATFI टेक्नोलॉजी का इंजन, 60-70 का माइलेज, जिसमें आपको 50 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम ही रहेगा। और उसके बाद 8018 का ट्यूबलेस टायर पीछे भी आपको मिल जाएगा, और इसका आप देख सकते हैं इंडिकेटर कुछ इस तरह से मिलेगा, और नंबर जो है इसकी तेल लाइट आपको हिलती मिलेगी, और नंबर प्लेट आपका यहाँ लगेगा जो कि जिसके इसके वाइजर पर ही है, लेकिन इसका तेल लाइट एकदम बढ़िया फिक्स है, ये हिलेगा नहीं किसी भी तरीके चलाओ। और उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर इस तरह से, और नंबर प्लेट आपको पत्ती पर लगेगा, ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। इस तरह से जो है TVS की स्पोर्ट स्प्लेंडर प्लस से काफ़ी अच्छी बाइक है। आप देख सकते हैं हाईवी भी दिखती है, उसके बाद माइलेज भी ज़्यादा, फीचर भी ज़्यादा, और हर एक चीज़ में आपको ज़्यादा मिले। लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्प्लेंडर में आपको ब्रेकिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि 130 mm है इसमें,
और इसमें आपको 110 mm का ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। सस्पेंशन इसमें आपको दो बार एडजस्ट करने वाला है, उसमें 5 बार सिर्फ नाम का है, काम का कुछ नहीं, काम का सिर्फ साइकिल जैसा इसमें झटका लगता है। और बाकी किक स्टार्टर यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं किक स्टार्टर इसमें दिया गया है। आप दोनों को चला के, आप पहले मेरे कहने से नहीं, आप दोनों को बाइक, दोनों बाइकों को चलाइए, चलाने के बाद आपको कैसा लगता है तब आप जो है बाइक खरीदे। मेरे कहने के हिसाब से स्प्लेंडर देखा देखी ना खरीदे किसी के कहने से कि हाँ यार ये बाइक ले लो, ये अच्छी है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ आप मत करिए। बाइक को आप देखिए, चलाइए, उसके बाद आप खरीदिए, ये मेरा कहने का मतलब है। तो इनकी ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें तो 78,000 यानी 78,000 रुपये में है सिर्फ 110 सीसी की TVS स्पोर्ट, और स्प्लेंडर 97 सीसी की है 85,000 रुपये में। आप देख सकते हैं माइलेज और प्राइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो दोनों में आपको कौन सी पसंद आई हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।